आईफिल टावर को वर्ल्ड वॉर वन और वर्ल्ड वॉर टू की घटनाओं से बाहर नहीं रखा गया था। 1914 में वर्ल्ड वॉर वन के फैलने पर टावर में एक रेडियो ट्रांसमीटर स्थित था जिसने जर्मन रेडियो कम्युनिकेशंस को जाम कर दिया था। पेरिस पर दुश्मन के एडवांसमेंट को गंभीरता से रोकना और 7 से 12 सितंबर 1914 में मारने की ईस्ट बैटल में मित्र देशों को जीत में योगदान देने में उसने हेल्प करी। हालांकि जर्मन्स ने वर्ल्ड वॉर टू के दौरान पेरिस पर कब्जा कर लिया था। शहर में उनके आगमन पर आईफिल टावर की लिफ्ट केबल्स को फ्रेंच द्वारा काट दिया गया था। युद्ध के वर्षों के दौरान साइट जनता के लिए बंद रही और लिफ्ट्स को रिपेयर केवल 1946 में किया गया। 1940 में जर्मन सोल्जर्स को स्वास्तिक फ्लैग फहराने के लिए टावर पर चढ़ना पड़ा। फ्लैग इतना बड़ा था कि कुछ ही घंटों बाद इसे उड़ा दिया गया और इसे एक छोटे फ्लैग से बदलने की जरूरत पड़ी थी। ट्राइकलर 25 जून 1944 तक नीचे रहा जब तक कि जर्मन्स को कैपिटल से बाहर नहीं निकाल दिया गया।